हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो आज मैं एक नई गेम लेके आया हूँ, स्टम्बल गाइस। ये एक बहुत बढ़िया गेम है, जिसे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों पहला राउंड हमारा शुरू होता है और इसमें टोटल प्लेयर आते हैं, ऑनलाइन प्लेयर 32, जिसमें से 16 प्लेयरों को फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। तो हम उसी के लिए क्वालिफाई करने के लिए भाग रहे हैं और ये एक दूसरे को टक्कर लगती है और एक जो ये प्रॉप्स लगे हुए वो हमारे प्लेयर को एक हिट मारते हैं, यानी कि टक्कर मारते हैं और ये हवा में, मेरा प्लेयर फिर हवा में उछल गया। ये खेलते वक्त मेरे को तो बहुत हंसी हंसी छूट रही थी। और ये एक मल्टीप्लेयर नॉकआउट गेम है, जिसमें आपको हर राउंड में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और फाइनल में जाना पड़ता है और फिर आप एक बंदा जीतता है। तो हम कोशिश करेंगे जीतने की और फिर से मेरे प्लेयर को टक्कर मारी उस प्रॉप ने जो घूम रहा है चक्कर की तरह, चक्कर मार रहा है। थोड़ा वेट करके कूदेंगे, जल्दबाजी नहीं, आराम से थोड़ा टाइम लेके कूदूँ। अब कूदेंगे हम और जंप, बढ़िया। अब दूसरा अभी यहीं पे है, वह उसका थोड़ा वेट करना है और कूदा और एक और जंप और मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ 16 बंदों में, तो मेरे आगे क्वालिफाइड का सिग्नेचर आ चुका है। और आप इसमें अपने नाम भी आराम से डाल के आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नाम को। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा आगे प्लेयर खड़ा है सचविश, पहले कोई और नाम था डिफॉल्ट, मैंने अपने आप कस्टमाइज करके अपना नाम डाला है सचविश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, आपने खेली है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब दूसरे राउंड के लिए मैप सेलेक्ट हो रहा है कि कौन सा हमें मैप मिलेगा। और दूसरे राउंड में 16 बंदों में से 8 बंदे क्वालिफाई करने के लिए भागेंगे। तो देखते हैं, ये वाला हमें मिला है कैनन क्लाइंब। तो अब इस मैप को पार करने के लिए, यानी कि 16 बंदों में से 8 बंदे भागेंगे क्वालिफाई करने के लिए, तो हम आराम आराम से भागेंगे जल्दी जल्दी। और एक भाई साहब बढ़िया, अभी हम पहली बार खेले तो अभी नॉर्मल प्लेयर मिला है जो डिफॉल्ट मिलता है। तो आगे आगे जैसे खेलते जाएंगे अपग्रेड करते जाएंगे अपने प्लेयर। और दोस्तों इस गेम में आप अपने प्लेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका रंग बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं और यहाँ तक कि जो ये बटन दे रखे हैं वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज बदल सकते हैं, कहाँ पर आपको खेलना है, एशिया में, यूरोप में, आप उसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने एशिया को सेलेक्ट कर रखा, तो मैं एशिया में खेल रहा हूँ और मैं थोड़ा पहुँच चुका हूँ थोड़ा पास में और आराम से चलेंगे। और एक कूदा और जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा क्योंकि पीछे ही बंदे आ रहे हैं और मैं क्वालिफाइड कर चुका हूँ। जब आप क्वालिफाइड कर जाएंगे तो उसके बाद भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि दूसरे बंदे कहाँ पे हैं। तो अब बचे 16 में से 8 बंदे और उसमें से मैं भी हूँ। अब देखते हैं कौन सा मैप सेलेक्ट होके हमारे लिए आता है फाइनल के लिए। कोई आसान आए तो ठीक है, क्योंकि पहली बार खेल रहा हूँ मैं तो, और हार्ड भी आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नई गेम खेलने का यही तो फायदा होता है पहली बार, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। अब ये फाइनल राउंड है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है बॉम्बार्डमेंट, यानी कि हमें यहाँ पे गिरना नहीं है, फॉल नहीं करना, तो हमें बचना है। यहाँ पे बॉम्ब गिरेंगे हमारे चारों तरफ और यहाँ पे हैं 8 बंदे और जो लास्ट में बचेगा वो जीतेगा ये चैलेंज। तो बचना है हमें, भागता रहूंगा इधर उधर अपने प्लेयर को बचाते हुए। भाग भी कैसे रहा यार, बढ़िया बढ़िया, भागते रहो बस, क्योंकि पता नहीं चलेगा कहाँ से बॉम्ब गिरा और कहाँ पे फटा। ये नौका में, यानी कि नाव में से बॉम्ब गिर रहे हैं हमारी तरफ और बॉम्ब जैसे ही फटेंगे तो हमारा प्लेयर उछलेगा या फिर इधर उधर फट जाएगा, तो ध्यान रखना होगा हमें इस बात का। अब कितने दो गिर चुके हैं दोस्तों, अब देखते हैं 5 बंदे और बचे हैं, अभी तक तो बचे पड़े हम 3 हो गए हैं बस, थोड़ी देर और बस यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ आराम से। 3 बंदे गिर चुके हैं दोस्तों, अब मुझे आराम से ध्यान से खेलना पड़ेगा। अगर बम आएगा तो मैं यहाँ से कूद के कहीं और जाऊँगा और मुझे भागना पड़ेगा, बम आ चुका है। ओ यार, बम के फटते ही मेरा प्लेन नदी में गिर गया और मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ।